नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के छाता बिजली घर पर तैनात लाइनमैनों ने लगाए आरोप। छाता एसटीओ और जेई पर लगाए गंभीर आरोप। संविदा कर्मचारी के साथ लूट पर नहीं दे रहे साथ। छाता बिजली घर पर तैनात संविदा लाइनमैनों ने एसटीओ छाता तथा जेई छाता केशव चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइनमैनों ने बिजली घर पर कार्य से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान लाइनमैनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीओ छाता तथा जेई छाता केशव चौधरी द्वारा मनमानी की जाती है तथा लोगों से अवैध वसूली करके अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं। अगर इनका साथ दिया जाए तो ये लाइनमैनों से खुश रहते हैं। अगर कोई लाइनमैन उनके कहे अनुसार काम करने की मना कर दे तो यह है उसको फीड से निकाल कर दूसरे फीड पर भेज देते हैं। वही गौरी शंकर लाइनमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जेई केशव और एसटीओ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइनमैन दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में उनके साथ मारपीट तथा लूटपाट की जाती है तो ये दोनों अधिकारी साथ नहीं देते हैं। ऐसा ही एक वाक्या हुआ एक लाइनमैन के साथ, जहां पर छाता के समीप गांव में लाइनमैन के द्वारा नोटिस दिए जाने पर लाइनमैन से ओटीएस की रकम करीब 80,000 रुपए तथा लाइनमैन की चेन तोड़ दी गई और मारपीट भी की गई। जब इसकी शिकायत जेई और एसटीओ से की गई तो उन्होंने थाने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। वही सभी लाइनमैनों का कहना है कि जब तक इस भ्रष्ट जेई केशव चौधरी का तबादला यहां से नहीं होता है जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वही सभी लाइनमैनों ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से भी गुहार लगाए है कि इस भ्रष्ट जेई केशव चौधरी का कहीं और तबादला किया जाए। वही सभी लाइनमैन अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हुए है। आइए जानते हैं गौरी शंकर, राजवीर, विक्रम सिंह लाइनमैन क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम गौरी शंकर है। अच्छा, किस कारण आप यहाँ धरने पर बैठे? मैं धरने पर बैठा हूँ कि हमारा जो जेई एसडीओ है, हम दोनों सभी लाइनमैन जितने भी हैं सभी को नोटिस बांटने में, वसूली करने में है, कार्यरत करने में, जैसे कि लाइन टूट रही है कहीं वो हो रहा है, किसी गाँव की लाइन खुलवाने में, समझे, हम सबको आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, हम तैयार हैं आगे होने के लिए, हम मना नहीं कर रहे कार्य करने में। लेकिन जब हम कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट हो रही है, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। विभाग का काम करें और जिम्मेदार हम होंगे इस चीज़ के लिए। FIR करने हमने जेई एसडीओ साथ हमारा दे रहे हैं। क्या नाम है जेई का? केशव चौधरी। और एसडीओ का? देवेश गोविंद। तो इनसे कल हमने बात कहा था, हमसे अकेले में ये अपनी पावर दिखाते हैं हमें कि मान के तुम मुझे नहीं जानते हो, यहाँ से मैं अगर हटा दूंगा तो कोई लगाने वाला पैदा नहीं है, तो हम तो अब हटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी कल बोला कि विक्रम को भेजो, आज के आया एसडीओ का, कहेंगे दो आदमी जाके बात करो उससे। हमने कहा हम क्या बात करें, जब कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है काम कराने के लिए तो हम तुम्हारे आदमी हैं, और जब हमारे साथ में घटना हो जाए तो हम तुम्हारे आदमी नहीं है। बात करने की बात है तो सामने आके करो। सोने की चैन विक्रम की तोड़ ली गई, 1.5 लाख। हम वहाँ चौकी पे गए तो इन्होंने थानेदार से भी कह दिया, 80,000 रुपये कैश लूटा गया इससे, विभाग का ही पैसा था वो। अभी बताइए अपनी जेब से भरेंगे 80,000 रुपये हम? तो हमारा कोई अधिकारी हमारा साथ देने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, इस हड़ताल से आमजन पे क्या प्रभाव? आमजन पे देखो, जब कार्य हम करेंगे आमजन के बीच में तो आमजन पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, कोई जेई एसडीओ तो कार्य करने जाएंगे नहीं, लेकिन ये अपनी तानाशाही में बैठे हुए हैं। अच्छा, हम जो भी हैं हमें यहाँ पे। अच्छा, ये सुनने में आया है कि आपकी जगह कोई नई भर्ती भी ये कर रहा है, कोई पैसे लेके कर ले भर्ती, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है, समझे, ये पैसे लेते हैं सबसे, और चाहे जिसको वहीं लेते हैं वहीं इधर से उधर इधर से उधर। अगर हम रात में इनके साथ जाएं पैसा वसूलने के लिए, दो नंबर का वहीं जैसे अपनी जेब गर्म करते हैं, तो हम इनके लिए बढ़िया है, और हम नहीं जा रहे हैं तो हम इनके लिए खराब हैं सब। तो ये कहानी हो रही है हमारे साथ में। अगर मैं इस छाता में हूँ, मैं छाता सेकंड पे था, मुझे हटा के छाता फर्स्ट में कर दिया कि छाता सेकंड में तुम कोई चोरी नहीं पकड़वा रहे हो। मैं दिनेश विक्रम और ये थे तोता, दोनों अकबरपुर पे, इसे हटा के यानी कि तुम सेकंड पे आ जाओ कि क्योंकि ये भी काम वो नहीं पकड़वा रहे हैं वहाँ पे। चुमान नरी सेमरी गाँव ऐसे हैं वहीं कूटने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा? अब धरना तो जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। क्या क्या मांगे आप? हमारी मांगे ये है कि आज के बाद में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है हमारे साथ, सबसे पहले जेई और एसडीओ
विभाग के थ्रू FIR करेंगे ना कि हमारे थ्रू FIR होगी। हमारी घटना ये है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। बताएं आप जो धरने पर बैठे हैं क्या कुछ मामला है इस धरने को? मामला ये है सर कि मैं कल बजेड़ा गांव में नोटिस बांटने गया था तारीख 23/11/2023 को, जिसके साथ मैंने आधे गाँव में नोटिस बांट दिए थे। मैं बघेल मोहल्ला में नोटिस बांटने गया था जे साहब के आदेश अनुसार, जो कि उसका पूरा जमालपुर और बजेरा गांव मेरे पे खुलवाए थे, जो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और मैं वहां गया था तो उन्होंने मेरे साथ जैसे बुलाया, मैं नोटिस बांट रहा था तो घर में बंद करके मेरे से जो मारपीट किया, चैन है जो मेरे पास अब भी है टूटी हुई, कुछ तोड़ ली है जिसमें से आधी चैन मेरे पास है, और 80-90 हज़ार रुपये थे जो OTS के मैं लेके आया था वो मेरे से छीन लिए। जय साहब को बोला, एक्शन साहब को बोला, SDO साहब को बोला, कोई भी अधिकारी FIR करने के लिए नहीं आया। सहार चौकी में मैं गया था, पुलिस वालों पर दबाव बना के गांव वालों ने, तो कोई FIR वगैरह नहीं करने दी है। अब आपसे जाने जो OTS का पैसा आपसे लूटा गया है तो वो पैसा कैसे भरपाई होगी उसकी, क्या अधिकारियों ने आपसे कहा है? अधिकारियों ने तो अभी तक कोई नहीं दिया है, मेरे को अकेले बुला रहे थे। मेरे ये 17 बिजली घर के भाई हैं मेरे साथ, जो पदाधिकारी हैं मेरे, लाइनमैन भी हैं। मैं अकेला बात नहीं करूंगा, इनके सामने बात होंगी, जो भी बात होंगी। पैसा है वो विभाग देगा या जिसने मेरे साथ घटना की है उससे वसूल किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी राजवीर। अच्छा, क्या किस कारण बैठे हैं अंदर? जी हमारी मुख्य मांग तो ये है कि पहले तो ये केशव चौधरी जी हैं इनका ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये आए दिन प्रताड़ित करते हैं लोगों को, कार्य करते हैं रातों दिन, 8 घंटे की ड्यूटी के पैसा मिलते हैं, 26 दिन के पैसा मिलते हैं, और संडे के छुट्टी के दिन भी इन पर कार्य किया जाता है। और दूसरे नंबर ये है कि इन पर दबाव इतना बनाया जाता है कि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कल जो घटना घटी है विक्रम जी के साथ में, इन्हीं से बोला था कि 2 मिनट बात कर ले हमसे आके, इन्होंने ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं।